कांग्रेस नहीं छोड़ पा रहे सिंधिया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सिंधिया का बड़ा बयान। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी इस यात्रा पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं में बयानबाजी भी जमकर हो रही है। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल किया, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जो कांग्रेस अपने आप को नहीं जोड़ पाई है, वह अब भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सिंधिया ने इससे ज्यादा इस मुद्दे पर कुछ और नहीं कहा है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरी तरफ से मैं यही सोचता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परसों दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ, राजपथ किंग्सवे को कर्तव्य पथ के रूप में परिवर्तित किया गया। प्रधानमंत्री जी की यही भावना है कि एक एक व्यक्ति, चाहे वह मंत्री हो, संतरी हो या जो भी हो, अपने आप को देश की सेवा में पूर्ण रूप से झोंक पाए। यही उनकी भावना है कि जन जन को टटोले और जन की मन की आशा को और आकांक्षाओं पर पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करे। इस जनसेवा की भावना से हम कार्य करेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है जो प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं कि भारत का अमृतकाल से शताब्दी काल का सफर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभरा है। हर कोने में आप देखो, नई ऊंचाइयों को हम छू रहे हैं, नई सेवा भाव की क्षमताओं को हम उजागर कर रहे हैं, और यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है। जब उन्होंने पहले दिन कहा था, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान जनसेवक के रूप में कार्य कर रहा हूं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सरोकार इंडिया, न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।